हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि फॉर लूप का यूज करते समय हम डेटा टाइप का डिक्लेरेशन और वेरिएबल का डिक्लेरेशन उसी फॉर लूप के अंदर कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं, जी हां, ये बिल्कुल भी संभव है, आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले कोड ब्लॉक्स को आप ओपन कर लीजिएगा और यहां ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले फाइल पे जाना है और यहां से न्यू एम्प्टी फाइल चूज कर लेनी है। अब यहां पे हेडर फाइल बना लेनी है आपको, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहां पर अब हमें करना है इंट मेन, यानी मेन फंक्शन बनाना है हमें, तो इंट मेन हमने यहां पे लिखा और यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाया। अब यहां पे डायरेक्टली मैं फॉर लूप लगा रहा हूं, देखिए ये फॉर लगाया हमने और एक वेरिएबल यहीं पे बना रहा हूं और इसका डेटा टाइप इसी के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूं। इंट टाइप का यह डेटा टाइप है, ए हमने डिक्लेयर करा और यहां पे इसको हम 10, इसका इनिशियलाइजेशन भी हमने कर दिया, कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन दिया यहां पे, और सेमीकोलन देने के बाद ए इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है, यानी 10 से स्टार्ट होगा 20 तक चलेगा, ठीक है। और अब क्या करना है, प्लस प्लस, ओके। इसके बाद क्या करना है, यहां पे लगाना है प्रिंट एफ और परसेंट डी, और यहां पर ए की वैल्यू को हम करवा देंगे प्रिंट, बस हमारा काम हो गया। यहां पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे रिटर्न जीरो लिखने के बाद, तो यहां रिटर्न जीरो दे दिया हमने और यहां पे क्लोज किया कर्ली ब्रैकेट को और यहां से इसको करेंगे सेव, ओके। तो यहां से सेव करते हैं इसको और यहां पे मैं दे देता हूं लूप या li.c, ऐसे करके कोई भी नाम, .c लगाना जरूरी। अब यहां पर इसको करवाते हैं रन, कंपाइल पहले करवाएंगे, तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवाते हैं तो यहां पे देखिए ये रन भी हो चुका है और ये देखिए 10 11 12 13 14 15 से लेकर 20 तक ये प्रिंट होकर आ रहा है, बीच में गैप्स नहीं है। तो गैप देने के लिए हमें क्या करना होगा, गैप दे, और दोबारा से करते हैं कोड ब्लॉक्स को ओपन, यहां से जाकर के li.c करना है हमें, li.c, ओके। तो ये ओपन हो गया हमारा प्रोग्राम, अब देख सकते हैं आप कि इसमें हमने गैप दिया हुआ है। अब इसको करवाते हैं कंपाइल, चलिए कंपाइल करवाते हैं, तो कंपाइल तो हो ही गया। अब इसको रन करवाते हैं, देखते हैं, ये देखिए ये गैप प्रिंट होकर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यानी 10 से स्टार्ट करके 20 तक चलाना है, लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है, इस वजह से ये 20 तक प्रिंट हो रहा है। तो यानी 11 वैल्यूज प्रिंट होगी, चलेगा लूप कितनी बार, 12 बार चलेगा, 12 बार ये चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम ये प्रिंट हुआ है और लूप चलेगा कितनी बार, 12 बार चलेगा, यानी 12 टाइम्स लूप चलेगा, क्योंकि 12 टाइम जब चलेगा तब पता चलेगा हमारे कंपाइलर को कि यहां पे लूप ब्रेक हो जानी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि इनिशियलाइजेशन हम लूप के अंदर भी कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।